हेलो स्टूडेंट, आई एम नीलम फ्रॉम एचईटीबी स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा। बेटा, ये आपकी हिंदी की कक्षा है। इसमें हम आज हिंदी व्याकरण की भाषा कौशल बुक में चैप्टर 2 रीड करेंगे। चैप्टर 2 वर्ण। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से कई ध्वनियां निकलती हैं। छोटी छोटी ध्वनियों को मिलने से ही शब्द बनता है, जैसे राधा। बच्चों, हम बोलते हैं जो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं, ध्वनियां। जो भी हम वर्ड बोलते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनियां, जैसे राधा। यह कई छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है, र प्लस अ प्लस ध प्लस अ, राधा। अब इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को हमने कर दिया ना छोटा, इससे छोटा और नहीं किया जा सकता। इन सबसे छोटी ध्वनियों को लिपि के माध्यम से लिखा जा सकता है। लिपि के माध्यम से भाषा की इन्हीं सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। बिना वर्णों के भाषा का लिखित रूप नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, लिखित रूप बिना वर्णों के नहीं हो सकता। वर्ण के रूप, हिंदी भाषा के सभी वर्णों को बोलने में अलग अलग समय लगता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण में दूसरे वर्णों की मदद लेनी होती है। इस तरह वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, आप अ ई उ ए ओ आदि वर्णों को बोलकर देखें। आप बोलकर देखें, आप अनुभव करेंगे कि यह वर्ण स्वयं ही मुख से निकलते हैं। ये वर्ण बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ कोई और वर्ड जुड़ रहा है या नहीं। इस तरह के वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। शब्दों में अ ई उ और री प्रमुख हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है, मूल स्वर। बाकी स्वर इन्हीं के संयोग से बनते हैं। व्यंजन वर्ण, अब आप क ख च प य आदि वर्णों को बोलकर देखें। आप अनुभव करेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण के अंत में अ ध्वनि आपके मुख से निकलती है, जैसे क क क ख। अब बोल के देखो, पीछे लास्ट में क्या आता है, अ की साउंड आती है। बिना स्वर की मदद से इन ध्वनियों को नहीं बोला जा सकता। इस तरह के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण, जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं और ये हैं, क ख ग घ, ये सारे क्या हैं, व्यंजन। ओके स्टूडेंट, आपने अब ये बुक पेज नंबर 9 और 10 रीड करना है। ओके, धन्यवाद।